वेलकम बैक टू माई चैनल। काफ़ी दिनों के बाद मैंने कोई लॉन्ग फॉर्म वीडियो अपलोड नहीं किया था। इवन मैं बीच में शॉर्ट्स भी अपलोड नहीं कर रही थी बिकॉज कोई मोटिवेशन ही नहीं हो रहा था कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड करूँ या कुछ भी वीडियो बनाऊँ पोस्ट करूँ। बट फिर मैंने सोचा नहीं, करना पड़ेगा, ट्रैक पे आना पड़ेगा। बिकॉज जितनी पहले एफर्ट्स और मेहनत करके थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर्स या जो भी कमाया है वो सब ज़ीरो पे आ जाएगा फिर से। बट करना पड़ेगा कुछ। सो यस, इसीलिए आई थॉट आज है संडे, सो मैंने सोचा चलो यार आज से कुछ स्टार्ट करते हैं। तो बस उठा लिया फ़ोन और सोचा व्लॉगिंग ही कर लेते हैं पूरे संडे की। एक बार एक आध वीडियो भी आ जाता है ना लाइव, तो एक कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन जो खोया हुआ है वो वापस आ जाता है कि चलो ठीक है वापस से ट्रैक पे आते हैं, वापस से सब कुछ करना स्टार्ट करते हैं। सो यस, एनीवेज काफ़ी दिन हो गए, मूवी भी नहीं गई यार मैं। तो आज एक मूवी का प्लान भी है, रॉकस्टार रिलीज़ हुई है, री रिलीज हुई है, जो कि मैंने देखी नहीं है कभी। आई वॉज अबाउट टू वॉच इट ऑन नेटफ्लिक्स, बट फिर मुझे ऐसा पता चला कि री रिलीज़ हुई है थिएटर्स में। सो आई थॉट कि देखनी चाहिए यार थिएटर्स में जाके अगर नहीं देखी है तो। वो अभी वहाँ भी जाएंगे और अभी ये सब जो आपको बैकग्राउंड में मेरे पूरा कचरा दिख रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा मैस हो रखा है, सो वो सब साफ़ करेंगे। एंड बस ऐसे कुछ जाने वाला है संडे, सो जैसा भी जाएगा जो भी होगा आप लोग रखू के साथ आप लोग को भी दिखाएंगे। तो फिर चलो आ जाओ, कम लेट्स स्पेंड अ संडे विद मी। सो स्टार्टिंग माई डे ऑफ विद अ कप ऑफ टी, एंड जो सुबह की चाय होती है ना, दिस हिट्स डिफरेंट। मतलब बड़ा ही सुकून सा मिलता है ये वाली चाय पी के। एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैंने कितने एस्थेटिकली अपना कप वगैरह रखा टेबल पे, एंड बिहाइंड द सीन देखो भाई कितना गंद मचा हुआ है। सो लेट मी जस्ट क्लीन दिस अप, उसके बाद बैठ कर आराम से चाय पियेंगे। मॉर्निंग के सारे छोटे छोटे काम करने के बाद, एक टू डू लिस्ट तैयार करने के बाद, हियर्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। सो आई एम हैविंग बहुत कुछ आज ब्रेकफास्ट में। आप लोग ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड ब्रेकफास्ट वगैरह के बाद मैं अपना आर्ट वगैरह का काम करने के लिए बैठी। नाउ आईफोन से मुझे अब आर्ट वाले वीडियो शूट करने थे, तो ये वाला वीडियो और इसके आगे के दो तीन वीडियो मैंने एंड्रॉयड से शूट किए हैं, इसलिए वो डिफरेंस पता चलेगा। सो यस, एंड आर्ट वगैरह के वीडियोस रिकॉर्ड करने के बाद फ़ोन में की बैटरी ख़त्म होने वाली थी। सो यस, इसके बाद मैंने ये सब काम ख़त्म करने के बाद क्लीनिंग का काम चालू किया, जो मेरा संडे का मस्ट रहता है, करना ही रहता है टू डू लिस्ट में। One hour later. बहुत ज़्यादा लेट हुए भाई, मुझे 2:30 पे निकलना था, 2:50 हो चुके हैं। भागो, बस मैं टाइम से पहुँच जाऊँ। वैसे तो 3:15 का टाइम है भाई, डॉग से पूछ करते दिख रहे, बट होते होते 3:30 बजे ही होगी शायद। Let's see. तो पार्किंग में फिर पार्क भी करो गाड़ी, मैं पहली बार लेके जा रही हूँ पता है ऐसे मॉल गाड़ी, और मुझे कार का पहला एक्सपीरियंस होगा कि
इधर खड़ी करें। इधर है पार्किंग, पार्किंग। खाना भी नहीं खाया यार, जल्दी जल्दी के चक्कर में मुझे भूख लग रही है। कौन से फ्लोर पे, मुझे तो फ्लोर ही नहीं दिखा। आऊंगी कैसे ऑफिस? I love you. Girlfriend bana meri. एंड इंटरवल में ज़्यादा कुछ भूख तो थी नहीं, सो जस्ट ये कॉफ़ी ख़रीद ली थी विच लिटरली कॉस्टेड मी 210 रुपये। एंड 210 रुपये लाइक इसमें कुछ भी नहीं था, ना ही क्वांटिटी थी ना ही क्वालिटी थी, बट क्या कर सकते हैं, अब तो ले ली थी तो फिर पी ली बैठे बैठे, इन्जॉय कर। एंड इट वॉज सच अ होलसम एक्सपीरियंस। एंड इसके बाद ये बैल्कनी थी पीछे, तो यहाँ जाना अलाउड नहीं था, बट थोड़ी बहुत पिक्चर्स खींच ली थी यहाँ पे जाके। एंड उसके बाद गार्ड आंटी आ गई थी और उन्होंने सबको यहाँ से भगा दिया। एंड देन आई डिसाइडेड टू विजिट मिनीसो। बहुत ज़्यादा हाइप है भाई मिनीसो की एंड वहाँ के प्रोडक्ट्स की, एंड मैंने तो कभी भी इससे पहले ट्राई नहीं किए हैं, सो आई थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई एंड बॉट अ फ्यू स्टफ़ जो कि मैं अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपलोड कर दूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, बहुत मेजर चीज़ें नहीं ली हैं। सबसे क्यूट सेक्शन था वहाँ का ये सॉफ्ट टॉय कॉर्नर, बट मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया, इतना खर्चा करने के लिए मैं नहीं घुसी थी यहाँ पे। सो यस, छोटी छोटी जो 4-6 चीज़ें ली एंड देन बिलिंग करवाई एंड देन वेंट बैक होम। Minutes later. मिल गई मिल गई मिल गई, मैं दूसरे साइड चली गई थी, मुझे इस साइड आना था, मैं उस साइड घुस गई थी। कोई ना, अयो। Hours later. घर आके डिनर में छोले राइस एंड थोड़ी सी आलू की सब्जी ये खाई, इंजॉय करी, गप्पे मारे मम्मी के साथ और बहन के साथ बैठ के। ये हमारा एवरीडे रूटीन है, डिनर पे हम तीनों बैठ के बहुत सारे गप्पे मारते हैं, लाइक गॉसिप करते हैं या व्हाटएवर। सो यस, ये सब किया।
एंड द लास्ट थिंग इन माई टू डू लिस्ट वॉज द स्किन केयर, जो कि मैं यूजुअली ट्राई करती हूँ कि मैं संडे तो एटलीस्ट थोड़ा सा ज़्यादा स्किन केयर कर लिया करूँ. सो येस, क्लीन अप एंड ऑल. तो सबसे पहले तो मेकअप रिमूव किया एंड उसके बाद मैं अपने जो फेस के जो हेयर्स रहते हैं ना उनको रिमूव करती हूँ विद दिस रेज़र. सो उसको रिमूव करने से पहले थोड़ा सा कुछ एप्लीकेटर लगा लो, लाइक एलोवेरा जेल और कुछ मॉइस्चराइज़र और मे बी अ फेस वॉश, कुछ भी. एंड उसके बाद ये मैंने बेसन एंड हल्दी का मिक्सचर था, ये सब मेरी बहन करती है, उसको देख के मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ. सो बेसन एंड हल्दी से बेसिकली डीटेन हो जाता है और थोड़ा सा स्क्रब वाला काम भी हो जाता है. एंड देन उसके बाद ये मैंने नोज स्ट्रिप लगाई थी ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स रिमूव करने के लिए. एंड साथ ही साथ में ये नायका से मंगवाया था मैंने ये किस क्या बोलते हैं यार फेस मास्क. तो फेस मास्क अप्लाई किया एंड वेट फॉर 20 to 15 minutes, उसके बाद इसको रिमूव कर दिया. एंड यस, दैट वॉज इट. इतना ही स्किन केयर करती हूँ भाई मैं तो. एंड विद दैट हेयर कम्स टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. तो कुछ ऐसा बीता मेरा संडे. आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा एंड अगर अच्छा लगा है सो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.